नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि मित्र इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे प्याज में होने वाली सबसे खतरनाक बीमारी डैम्पिंग ऑफ। तो इन दिनों जो प्याज की फसल नर्सरी अवस्था में है, उन सारे किसानों को सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ेगा डैम्पिंग ऑफ यानी कि आर्द्र गलन इस समस्या का। तो यह डैम्पिंग ऑफ होता क्या है, इसको कैसे पहचाने, और अगर ये आपके खेत में हो चुका है तो इस पे आप क्या ट्रीटमेंट कर सकते हो, इस बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आर्द्र गलन या फिर डैम्पिंग ऑफ होता किस कारण है। तो जो मिट्टी में फफूंद पाई जाती है उसके कारण, यानी कि बेसिकली यह जो डिजीज़ है यह सॉइल बॉर्न फंगल इन्फेक्शंस के कारण होता है। और अगर आपके खेत में से जल निकासी नहीं हो पाती है या फिर ज़्यादा सिंचाई अगर आप करते हो, बार बार सिंचाई करते हो, उसके कारण भी हो सकता है, या फिर बिन मौसम ज़्यादा बारिश हो जाए, टेम्परेचर ज़्यादा कम हो जाए, तो उसके कारण भी यह रोग हो सकता है। तो आपको किन-किन चीज़ों की विशेष ध्यान रखना है यह अपन जान लेते हैं। तो देखिए, आपको सीड बेड यानी कि जो नर्सरी बेड आप बनाते हो उसमें एक खास ध्यान रखना है कि आपको कभी भी उठी हुई क्यारियाँ बनानी है, यानी कि ज़मीन से कम 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची आपकी क्यारियाँ होनी चाहिए, ताकि अगर मान लीजिए बेमौसम बारिश हो या फिर ज़्यादा सिंचाई हो, इन कारण जो अतिरिक्त पानी होगा वह क्यारियों से बहकर जो बीच की नाली होगी उससे खेत से बाहर चले जाएगा, जिसके कारण आपकी फसल को नुकसान नहीं होगा। तो आर्द्र गलन के कारण जो अपना प्याज होता है, उसका रोपा होता है, उसका सीर जो होता है वो सड़ने लग जाता है, जो जड़ें होती है वो गल जाती है, इसके कारण अपना पौधा पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। और ये जो बीमारी है यह तेज़ी से अपने खेत में फैल सकती है, जिसके कारण आपकी पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। तो अगर आपके खेत में इस प्रकार के लक्षण दिख रहे हैं तो आप जल्द से जल्द सतर्क होकर योग्य ट्रीटमेंट करवा लें, ताकि यह कंट्रोल में आ सके। तो पहले हम बात करेंगे, आपको कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना होगा प्याज की फसल लगाने से पहले, नर्सरी तैयार करने से पहले। हो सकता है आपने इस साल बिना इन चीज़ों के ही नर्सरी तैयार कर ली हो, पर अगली बार या फिर जब भी आप प्याज कि नर्सरी तैयार करोगे तो इन चीज़ों का खास आपको ध्यान रखना है। पहली बात है सीड ट्रीटमेंट, यानी कि आप जो भी बीज लगा रहे हो, चाहे वो पैकेट की हो या फिर घर की हो, जो भी बीज हो, आपको सीड ट्रीटमेंट करना ही करना है। तो सीड ट्रीटमेंट आप 3-4 अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हो, इनमें से आप किसी से भी करें तो अच्छा ही है। तो एक तो आप थायरम से कर सकते हो, आप थायरम 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज को ट्रीट कर सकते हो, यानी कि मान लीजिए 10 किलो अगर आपको आपका बीज है तो उसमें 25 ग्राम थीरम डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर ले, है ना। या फिर आप ट्राइकोडर्मा विरिड जो होता है उसके पाउडर से भी बीज को ट्रीट कर सकते हो, 5 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से, यानी कि 10 किलो बीजों के लिए 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिड मिक्स कर कर डाल सकते हो। या फिर सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊँ तो कार्बन टेंजिम प्लस मोनकोजेब का है, जो UPL के साफ इस प्रोडक्ट में आता है। साफ का पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह वह UPL का प्रोडक्ट है जो आप सीधे आपके बीज उपचार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने जो जो तरीके बताए सीड ट्रीटमेंट में, उनमें से आप कोई भी जो आपको उपलब्ध हो, जो आपके पास हो, उनमें से किसी भी एक का चयन कर कर सीड ट्रीट करना ना भूले। उसके बाद आपको करना है ट्राइकोडर्मा ट्रीटमेंट। तो आपने बहुत बार सुना होगा, लोगों ने कहा होगा कि ट्राइकोडर्मा एक मित्र फफूंद है, तो यह बहुत इफेक्टिव होती है। कई किसान भाई इन प्रोसीजर्स को सुनकर ही इस प्रकार के ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, पर मैं आपको बता दूं डैम्पिंग ऑफ बहुत ही खतरनाक रोग है, और अगर आप आपके खेत में इस रोग को रोकना चाहते हैं तो जब भी आप नर्सरी बनाएं तो उसके 15 से 20 दिन पहले आप 1 एकड़, मान लीजिए आपको 1 एकड़ नर्सरी लगानी है, तो 100 किलो गोबर की सड़ी हुई अच्छी सी खाद लें,
उसमें 1 किलो ट्राइकोडर्मा विरिड पाउडर डालें, उसको अच्छे से मिक्स कर कर 8 से 10 दिन वैसे ही रखें। और उसके बाद आपके खेत में जिस जगहों पर आपको नर्सरी बेड्स बनाने हैं उस पर डाल दीजिए। तो ये हो गई ट्राइकोडर्मा विरिड ट्रीटमेंट। और अगर आपके खेत में हर साल डैम्पिंग ऑफ का प्रकोप पाया जाता है तो इसका मतलब यह है कि आपके मिट्टी में, आपके खेत की मिट्टी में बहुत सारे फफूंद लग चुके हैं, बहुत सारे पैथोजेंस लग चुके हैं। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि जिस जगह पर आप नर्सरी बनाने वाले हो उस जगह पे मई जून के महीने में आप एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लेकर उसको 15 से 20 दिन के लिए ढक दें। क्या होता है ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन के कारण कि जो हीट होती है, जो गर्मी होती है, वो पॉलीथीन के अंदर ट्रैप हो जाती है, यानी कि बंद हो जाती है, और अंदर का जो तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण जितने भी पैथोजेंस, जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस होते हैं मिट्टी में, वो सारे मारे जाते हैं। इसके कारण आपके खेत में आने वाली फसलों में इन्फेक्शन नहीं होगा। उसके बाद होता है बीज दर, यानी कि सीड रेट। तो आपको किस बीज दर के हिसाब से प्लांटेशन करना है इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो, जो बीज होता है वो कितनी लेनी है यह उसके जर्मिनेशन पे डिपेंड करता है, पर अगर मैं एवरेज सीड की बात करूँ तो प्याज के लिए 8 से 10 kg प्रति हेक्टेयर की दर से ली जाती है, माने तो 3.5 से 4 किलो प्रति एकड़। और प्याज के पौधों को लगाते वक्त दो पौधों में 7 से 8 सेंटीमीटर का गैप कम से कम रखना चाहिए, तभी जाकर अच्छी प्रोडक्शन मिलेगी। अगर हो सके तो नर्सरी बनाते वक्त शेड नेट का इस्तेमाल करें, जो वाइट कलर के शेड नेट होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ग्रीन हाउस ही बना लें, जिस प्रकार से आपको शेड नेट बनता हो जितने आसान तरीके से, यह कि अगर वर्षा भी होती है तो उसके सीधा प्रभाव फसल पर ना पड़े और ज़्यादा गर्मी भी ना लगे, इसकी वजह से शेड नेट का इस्तेमाल होता है। और डैम्पिंग ऑफ में आपको सिंचाई पे बहुत बारीकी से ध्यान देनी होती है, बार बार सिंचाई ना करें, जब ज़रूरत हो तभी सिंचाई करें। अगर आप बार बार सिंचाई करेंगे तो उसके कारण भी आपकी नर्सरी में डैम्पिंग ऑफ का प्रकोप हो सकता है। मैंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के हिसाब से दो पार्ट्स में बीज की वैरायटीज़ डाल दी है जिनमें डैम्पिंग ऑफ होने की चांसेस कम है, तो हो सके तो इन वैरायटीज़ में से आप चयन कर लें। अभी हम बात करते हैं फाइनल ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि केमिकल ट्रीटमेंट है। मान लीजिए कि आपके खेत में डैम्पिंग ऑफ यानी कि आद्र गलन की समस्या आपके खेत में दिखने लगी है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो आप दो तरीके से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। आप बेविस्टिन का उपयोग कर सकते हैं, जो कि एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, 1 ग्राम प्रति लीटर बॉटल में मिक्स कर इससे ड्रेंचिंग कर दें। या फिर आप थायरम का इस्तेमाल कर सकते हो, जो थीरम है वह भी एक फंगिसाइड है, इसका 2.5 ग्राम प्रति लीटर वाटर में लेकर ड्रेंचिंग कर दें। इस प्रकार से आप डैम्पिंग ऑफ को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन इस केस में, डैम्पिंग ऑफ के केस में ट्रीटमेंट ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, आपको प्रिवेंशंस पे ही ध्यान देना होगा। यानी कि अगर आप मृदा सोरीकरण, जो मैंने बताया पॉलीथीन से आपके खेत का आपके खेत के पैथोजेंस को मारना, या फिर जो ट्राइकोडर्मा ट्रीटमेंट हो गई और सीड ट्रीटमेंट हो गया, इन चीज़ों से ही आप ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट पा सकते हो इस बीमारी पे। तो कोशिश कीजिए ट्राइकोडर्मा ट्रीटमेंट वगैरह, ऐसे जो मॉडर्न टेक्निक्स है जिनको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की तरह से या फिर इंटीग्रेटेड डिसीज़ मैनेजमेंट के हिसाब से जाना जाता है, इन प्रैक्टिसेस को फॉलो कीजिए। क्योंकि आप सिर्फ केमिकल पर अगर डिपेंडेंट रहोगे तो पॉसिबल नहीं होगा, अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सिर्फ दवाई मारने से कोई भी डिजीज़ या फिर कोई भी रोग कंट्रोल नहीं होता है, आपको सारे स्टेप्स एक साथ लेने पड़ते हैं, तब जाकर ही कोई भी डिजीज़ कंट्रोल होता है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए, और अगर कोई समस्या आपके खेत में और होगी तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगला आने वाला वीडियो उसी टॉपिक पे मैं बनाऊंगा।